हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। यह वीडियो दो पार्ट में आएगी। पार्ट वन ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं, पार्ट टू आप लोग को एक या दो दिन में ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ साथ आप लोग बता दूँ, इसमें आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें आप लोग जल्दी से पढ़ के उसका रिविजन कर सकें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है और आप लोग का टाइम खराब हो जाता है। आप लोग को रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जनवरी मंथ के करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ऑलरेडी आप लोग को दो पार्ट में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग दो मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। सही जवाब होगा योगेश सिंह ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर क्या होगा, किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम राष्ट्र की सेवा क्या था, राष्ट्र की सेवा इन सर्विस ऑफ द नेशन जो साल 2024 में भारतीय सेना दिवस की जो है थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया, यह किया गया बीकानेर में। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आप याद रखना राजस्थान राज्य में किया गया, राजस्थान के बीकानेर शहर में जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। सही जवाब होगा वनिंदु हसरंगा। और आप लोग से क्रिकेट के फैन हैं तो आप लोग से बनना चाहिए, आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, वनिंदु हसरंगा जो है ये आईपीएल के किस टीम से खेलते हैं और किस देश के खिलाड़ी हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं। सही जवाब होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आई होप सभी लोग को पता होगा 15 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, किसने हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की निदेशक कम तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया है, ऋतु गोस्वामी को। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद के पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। सही जवाब होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और आप लोग को बता दूं, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, या आप लोग टेलीग्राम पर एस अकेडमी 99 सर्च करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल खुल के आ जाएगा। अगला सवाल है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता, दीप्ति शर्मा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। कुछ आप लोग के मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है। सही जवाब होगा आइनक्स एयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव किसने सम्मानित किया जाएगा, रंजन गोगोई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है। सही जवाब होगा 4वीं रैंक है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 के दिसंबर महीने के पुरुष प्लेयर ऑफ द मैच मंथ अवार्ड किसने जीता है, पैट कमिंस ने, और महिला प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता है, दीप्ति शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्ति पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी, ये होगी सू रेड फर्न। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। सही जवाब होगा तेलंगाना। और आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, तेलंगाना के अभी वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को हर एक राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे या कोई भी एग्जाम होता है उसमें राज्यपाल या मुख्यमंत्री जरूर पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? सही जवाब होगा रोहित शर्मा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रियर एडमिरल शांतनु झा को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अयोध्या के राम मंदिर के समर्पित स्मार्ट डाक टिकट की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सही जवाब होगा सरयू नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का संगठन किया जाएगा? अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा के द्वारा जो है गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची कास्ट प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? यह है कुवैत दिनार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आप लोग लगे कि इसको हमको दोबारा पढ़ना है तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र किस शहर से की है? ये सोलापुर से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? 302 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने इम्यूनोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर के साथ जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में US डॉलर का कौन सा स्थान है? ये 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? यह है चंद्रकांत सोमपुरा। अब आप लोग बता दूं, अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसको नहीं देखें आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंड्याला लक्ष्मीप्रिया किस नीति से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के कौन खिलाड़ी बाहर हो गए हैं? सही जवाब होगा विराट कोहली। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी ग्रुप ने किसके साथ प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के मीडिया विलय सौदे का रद्द कर दिया है? जी एंटरप्राइज के साथ जो है रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सही जवाब होगा हरियाणा राज्य में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इसे समस्त भारत की यात्रा पर है? डेनियस फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ने निम्न में से किससे संबंधित है? यह है रूफटॉप सोलर पैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 23 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडधाम टस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? सही जवाब होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? सही जवाब होगा डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम को शुभारंभ किया? सही जवाब होगा भारत पर्व को। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? ताई जू यू चिंग ताइपे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा 60 पैरासूट फोल्ड हॉस्पिटल यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? सही जवाब होगा जाम्बिया की यात्रा पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के
जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? सही जवाब होगा बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ आप लोग बता दूं, मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को जो है क्या क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पाली उमरगर अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब होगा सुमवन गिल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब होगा मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, आस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अदर टाइगर निर्देशन किसने किया है? सही जवाब होगा निशा आहूजा ने। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब होगा सूर्य कुमार यादव ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, BCCI अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सही जवाब होगा फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में साल 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? सही जवाब होगा हेली मैथ्यू, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट में हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU का मंजूरी दे दी है? सही जवाब होगा ओमान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? सही जवाब होगा 31 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? सही जवाब होगा जायडस को। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की समारोह को मुख्य अतिथि कौन होंगे? सही जवाब होगा एमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग और आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही जवाब होगा तन्मय अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किसी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? प्रसन्ना बी वारले ने जो है नियुक्ति ली है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सही जवाब होगा पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ने भारत की पहले प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा एयरबस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये जीता है जेनिक सीरर इटली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये है अरिना सम्बुलोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया ने दोनों साथ में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ये है सतनाम सिंह सिद्धू को जो है मनोनीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के किस राज्य सरकार के साथ हाइड्रोजन के समझौता किया है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के भारत के नेपोरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहां पर रखी गई? सही जवाब होगा डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा नीदरलैंड ने जीता है। ये रहा आप लोग का पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।